यूपी के एटा में एक दरगाह है जिस पर की स्थानीय लोगों ने प्राचीन मंदिर होने का दावा किया था। वहां पर खुदाई के दौरान हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली है। ये सभी प्रतिमाएं जलेसर थाना क्षेत्र में आने वाली दरगाह के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी के निर्माण की नींव खोदने के दौरान निकली। हिंदू संगठनों ने इन प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। वहीं पुरातत्व विभाग ने मूर्ति की प्राचीनता का पता लगाने का ऐलान किया है। पुलिस चौकी की नींव बड़े मियां की मजार से लगभग 10 किलोमीटर दूर खोदी जा रही थी। इस दौरान जमीन से हनुमान जी और शनिदेव की प्रतिमाएं निकली। मूर्तियों की जानकारी मिलते ही स्थानीय भाजपा विधायक संजीव दिवाकर भी मौके पर पहुंच गए। उनकी मौजूदगी में ही हनुमान जी की प्रतिमा को पानी से और शनिदेव की प्रतिमा को तेल से धोया गया। संजीव दिवाकर ने अपने फेसबुक पेज पर से उसे शेयर करते हुए लिखा कि आज 15 अप्रैल 2022 को जलेसर शनिदेव मंदिर पर पुलिस चौकी के निर्माण हेतु हो रही खुदाई के दौरान निकली शनिदेव और वीन हनुमान जी की मूर्ति। अन्य मूर्तियां होने की भी आशंका है। शनिदेव पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। भाजपा विधायक द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में कई लोग मौके पर भी मौजूद दिख रहे हैं। भाजपा विधायक के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी दावा है कि जहां पर बड़े मैया की मजार है वहीं पर पहले मंदिर था। बाद में दरगाह ने धीरे धीरे अतिक्रमण करके मंदिर के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। इस दौरान 13 अप्रैल को इसी दरगाह पर भगवा ध्वज लहराते हुए एक फोटो भी वायरल हुई थी। पर की अलीगंज के SDM अलंकार अग्निहोत्री ने इसे शनिदेव की पूजा के लिए आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया ध्वज बताया था, जो कि लाल रंग में होता है। दरगाह के चढ़ावे में करोड़ों रुपये के घोटाले का भी खुलासा हुआ है, जिस पर की पुलिस FIR दर्ज करके जाँच कर रही है। होप इंडिया से बात करते हुए SHO जलेसर इंस्पेक्टर शंभुनाथ ने बताया कि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ PAC को भी तैनात किया है। इसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। इस जगह पर पहले मंदिर थी या फिर दरगाह, ये तो जांच के बाद आने वाला समय ही बताएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है, ये हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम। पत्थर टूटा है।